अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 9.1 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन को इनटू सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो कैसे कन्वर्ट करना है रेडियन को सेक्सागेसिमल सिस्टम में, मतलब कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट किया जाए डिग्री मिनट्स और सेकेंड वाली फॉर्म में। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक रेडियन जो है ना वो बराबर होता है 180 डिग्री बाय पाई के। तो आपने करना क्या है, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए सिंपल रेडियन को 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप क्या कर जाएंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है 7π/12। अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री बाय पाई से इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा जी। बाकी आपके पास क्या बचेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 3 12 हो गया, 4 4 16 2 बचे, 5 बच गया, 5 4 5 कितना होता है 20। फिर ये 3 वाला इस पे जाएगा, 3 15 और कितना हो गया 45। तो ये आपके पास बचा 7 × 15 डिग्री, मतलब ये टोटल कितना बन गया 105 डिग्री। तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट को हल करते हैं जी, 9π/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपने डिग्री में जाना है जी 180 डिग्री बाय पाई से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5 3 15 3 बचे तो यहाँ पे 6 आ गया। तो ये आपके पास बचा 9 × 36, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी 320, इसके ऊपर डिग्री लगा दें 324 डिग्री के। इसके बाद इससे नेक्स्ट है जी, इसकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी, इसमें हमने क्या करना है, 11π/27 को कन्वर्ट करना है जी रेडियन में। तो क्या करेंगे, 11π/27 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बाय पाए से, पाए से पाए क्या हो जाएगा कैंसल, 3 9 27 3 6 18 और ये 0 आ जाएगा, फर्दर 3 3 9 और 3 20। अब ये क्या हो जाएगा, 11 × 20 डिग्री बाय 3। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 73.33 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए होती है, होल फॉर्म में आंसर चाहिए होता है, ये तो क्या है डेसिमल फॉर्म में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके कैलकुलेटर पे इस तरह का एक बटन होता है, आप उसे प्रेस करेंगे ना तो आपके पास ये जो आंसर आएगा, आएगा 73 डिग्री 20 मिनट्स। इसके बाद इससे नेक्स्ट है जी, आपके पास 13π/16 इसे कन्वर्ट करते हैं जी, 13π/16 इसे मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री बाय पाए से, पाए से पाए कैंसल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 8 16 2 9 18 और ये 90 हो गया, अगेन 2 4 8 और 2 45। अब मजीद इसे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आ जाएगा 30 × 45 डिग्री बाय 4। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 146.25 डिग्री। अगेन आपके पास डेसिमल वाली फॉर्म वाला आंसर आ गया, तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में। तो उसके लिए इस तरह का बटन है कैलकुलेटर पे, उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 146 डिग्री 15 मिनट। आपने सिंपल इस कन्वर्जन में क्या करना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके पास आंसर आ गया कंप्लीट डिग्री में तो लिख लेना है, अगर आपके पास डेसिमल वाली फॉर्म आ रही है तो आपने फिर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरह का एक बटन होगा कैलकुलेटर पे, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कन्वर्जन हो जाएगी आसानी से। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।